अगली बार जब एक
मोबाइल फोन है उसमें रिकॉर्डिंग है, अगली बार रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, तो रिकॉर्डिंग होने के बाद लिखिए याद हो जाएगा। हम भी ऐसी भी याद नहीं है। वेरी वेल, थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई भी काम करें, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो कलाकारी हो, कार्य
टेलरिंग हो, कुछ भी हो, अगर हम वो करते हुए खुश है ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर करते हुए ना खुश हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। पूछो उनसे, सही बात है, आपको भी लगता है ना? तो ये याद रखोगे, हाँ वही करना जो दिल को सुकून देता हो, खुशी देता हो, और ऐसे लगता हो कि करते हुए ना मैं बढ़ रहा हूँ, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है? क्योंकि पैसा आते जाता रहता है, आपको पता है ना ये, लेकिन पैसा अगर खुशी की कमाई से मिले तो और भी अच्छा लगता है ना? और किसने क्रिएटिव स्किल्स सीखे हैं? किसको मेकअप सीखना है? मुझे मुझे तो सबको मेकअप सीखना है। बॉयज को मेकअप क्यों नहीं सीखना है? पता है सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में बॉयज ही है। अच्छा फिर बताओ मेकअप किसको सीखना है? लड़कियां ऐसे हाथ उठा रही है। मेरे पास आओगे सीखने के लिए? अब इसको डिजाइनर बनना है, वकील भी बनना है, तो एस्पिरेशंस खूब सारे हैं। मतलब यू नो दे हैव मल्टीपल एस्पिरेशंस। मैं जब आपकी उम्र की थी मुझे सब कुछ बनना था। मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, मुझे वकील बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था, किसी को एक्टिंग या फिल्म में शौक है? आप थिएटर करना चाहोगे? तो मैं अगर एक अंकल के साथ आपका इंट्रोडक्शन करूँ तो आपको अच्छे से सिखाएंगे थिएटर करना, आप करोगे? करते हैं और खुद का घर चलाते हैं, वो
बयान के बियॉन्ड है, क्योंकि जब आप कमूमन, आप लोग जानते हो आपने बहुत कमूमन में काम करना शुरू किया, हाँ आप इतने बहुत कम छोटी उम्र से काम करते हैं, है ना, आप सबसे मुश्किल यही था समझना कि जिम्मेदार होना क्या होता है, है ना, आई थिंक सबकी जिंदगी में वो टाइम आता है ना कि आपको लगता है बचपन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल, फिर आप बड़े होते हो तो सबसे सबसे बड़ी बात ये होती है समझना कि जिम्मेदारी क्या होती है, तो आई थिंक वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है सबके लाइफ, लेकिन अलग लोग अलग लोगों को झेलना, उसके टेम्परमेंट समझना, फिर भी अपना काम कर पाना, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों को अहंकार होता है, ईगो, कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कुछ लोग प्यार भरे होते हैं, तो आई थिंक अलग अलग लोगों के साथ काम करना सीखना वो सबसे बड़ा चैलेंज और चेंज होता है। आपको नहीं लगता ऐसे है? मुझे तो अभी भी ऐसे ही लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट लर्निंग टू वर्क विद पीपल इज द बिग चैलेंज। हमने